हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहजाद और आज के इस वीडियो में आपने ये जो फ़ोटो देख लिया, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, एयरपोड्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों जो एप्पल के एयरपोड्स आते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसके लेने के चांसेस तो हमारे लिए बहुत कम होते हैं। लेकिन आप में से कोई अगर शौक़ रखता है ऐसे कुछ एयरपोड्स को यूज़ करने के, या फिर एक कन्वीनियंट प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपको अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दे, तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिलता है। लुक वाइज देख लो तो एग्जैक्ट एयरपोड एप्पल के जैसे दिखते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कम प्राइस में आपको काफ़ी कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस डिवाइस की लुक बहुत अच्छी है, शानदार है। आप देखो यहाँ पे दोस्तों, आप देख रहे हो काफ़ी हद तक ये एप्पल की क्लोन कॉपी बनाई हुई है, तो काफ़ी बेहतरीन फीचर्स है। तो आइए बात करते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलती है 400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर बैटरी केस के बारे में बात करें तो बैटरी आपको देखने को मिलती है 400 mAh की बैटरी, और उसी के साथ जो इसके एयरबड्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है 45 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इसके बैकअप के बारे में, तो दोस्तों जो बैकअप मिलेगा आपको वो अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हो तो आपको बैकअप देखने को मिलेगा यहाँ पे 3.5 से 4 घंटे तक बैकअप देखने को मिल जाएगा। और एक और बात है यहाँ पे कि यहाँ पे दोस्तों आप इसको चार्ज कर पाओगे, कम से कम 4 बार आप चार्ज कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो बैटरी एमएच है, जो केस का बैटरी एमएच है वो 400 mAh का है, और इसका जो स्पीकर का जो एमएच है यहाँ पे, एयरबड्स का जो एमएच है वो 45 mAh है। तो उसके हिसाब से आप 4 बार इसको 3 से 4 टाइम इसको चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों एक और प्रीमियम क्वालिटी का फंक्शन मिलता है आपको, जो कि वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों आप भी अगर असली वाले अमीर नहीं हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए भी, जैसे मेरे लिए भी है एक्चुअली। यहाँ पर दोस्तों ये तो जोक सा पार्ट था, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिल जाएगी आपको कम दाम के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ अगर उसके कुछ बटन वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ आपको टच के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप एक सिंगल टैप पर कॉलिंग रिसीव कर सकते हो, या फिर अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो वो भी आप सिंगल टैप पर कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको कुछ वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो वो आप अगर लेफ्ट साइड 2 बार क्लिक करोगे तो वहाँ पे डाउन होगा, और राइट साइड 2 बार क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप वॉल्यूम अप कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपसे इसकी प्राइसिंग लेवल की, तो यहाँ पे अगर एप्पल के जो एयरपोड्स होते हैं वो आपको मिलते हैं 14 से 15 हज़ार रुपये में, और ये जो क्लोन है वो आपको मिलेगा 3200 या 3300 रुपये में मिल जाएगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें बहुत कुछ फीचर्स होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन बना देता है इस प्राइस में, तो ये कम प्राइस है। और अगर देखने जाए इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है, एक कन्वीनियंट परफॉर्मेंस देगा आपको ये, और काफ़ी बेहतरीन चलेगा, और बैटरी बैकअप भी अच्छा देगा, और देखने में भी अच्छा है, और इसी के साथ जो केस आता है वो भी काफ़ी अच्छा है वो, तो ओवरऑल ये बेहतरीन एक ब्लूटूथ हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर उसके कुछ LED इंडिकेटर के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप चार्जिंग में रखते हो तो वहाँ पर आपको ऑरेंज लाइट देखने को मिलेगी, और अगर बैटरी फुल हो जाती है तो आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से चार्ज करेगा, जो कि 1.5 घंटे तक चार्ज कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें लाइटिंग केबल से चार्जिंग की, तो वो 14 मिनट में चार्ज कर देगा यहाँ पे।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। पीस बी अपॉन यू। पीस।